गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों असी अज ग्रामर का टॉपिक द एडजैक्टिव करांगे। एडजैक्टिव तो भाव है विशेषण। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, एन एडजैक्टिव इज़ अ डिफाइनिंग वर्ड, इट इज़ यूज्ड विद ए नाउन टू टेल अस समथिंग मोर अबाउट दैट नाउन। पंजाबी दे विच बच्चों इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है कि विशेषण एक अजिहा शब्द है जो नाउन दे नाल उस दे बारे कुछ ज़्यादा दसदा है। मीनस के किसी नाउन भाव किसी भी व्यक्ति दे गुणा जा अवगुणा नू प्रगट करता है, उसनू असी की कहने हैं विशेषण जा इंग्लिश दे विच द एडजेक्टिव। बच्चो देखो तुसी इस सेंटेंस दे विच, शी इज़ अ टाल गर्ल, शी इज़ अ टाल गर्ल, ओ लड़की लंबी है। बच्चों हुण लंबा एक लड़की का गुण है कि वह लंबी है, तो यह उसका की हो गया विशेषण भाव एडजैक्टिव। टाल की हो गया एडजैक्टिव। ही इज़ अ रिच मैन, ओ आदमी अमीर है। हुण बच्चों इस दे विच इस आदमी की जो विशेषता है वह की है रिच, तो रिच की है एडजैक्टिव। वी हैव मैनी फ्रेंड्स, साडे बहुत मित्र हैं, तो इस दे विच साडी की विशेषता है कि साडे काफ़ी मित्र हैं। तो बच्चों टाल, रिच और मैनी ए इंदे विच की आए ने एडजैक्टिव। वी कैन यूज़ एडजैक्टिव्स टू कंपेयर द क्वालिटीज़ ऑफ नाउन। ए बच्चों नाउन्स दियाँ नाउन दियाँ क्वालिटीज़ नू कंपेयर करदा है, नाउन दे गुणा अवगुणा नू कंपेयर करता है, एक नाउन नू दूजे नाउन दे नाल कंपेयर करता है, एक चीज़ नू दूजी चीज़ दे नाल कंपेयर करता है। जिवें देखो हनी इज़ अ फैट बॉय, हनी मोटा लड़का है। सनी इज़ फैटर दैन हनी, सनी है जो हनी नालों मोटा है। बनी इज़ द फैटेस्ट ऑफ द थ्री, बनी है जो इन्हों तिन्हों नालों ही मोटा है। हुण देखो हनी इज़ अ फैट बॉय, ये बच्चों देखने दे विच ए पॉजिटिव डिग्री नू भी प्रगट करता है। सनी इज़ फैटर दैन हनी, ए जो सनी है ये हनी नालों की है मोटा, तो ये बच्चों कंपैरिजन हो रहा है, विशेषण दा एडजेक्टिव दा कंपैरिजन हो रहा है। बनी इज़ द फैटेस्ट ऑफ द थ्री, हुण इस बनी का इन्हां दोनों नाल कंपैरिजन हो रहा है, तो बनी जो है तिन्हां नालों ही ज़्यादा मोटा है, यानी कि बनी जो है वो सारे नालों ज़्यादा मोटा है। द वर्ड्स फैट, फैटर एंड फैटेस्ट शो द डिग्री ऑफ ए क्वालिटी। बच्चों मोटा होना, उस तो ज़्यादा मोटा होना, जा सब तो ज़्यादा मोटा होना, ये बच्चों कंपैरिजन डिग्रीज ने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इत्थे असी हुण बच्चों तीन डिग्रीज़ ने कंपैरिजन दियाँ जो असी पढ़ांगे। पॉजिटिव डिग्री है पहली, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री केड़ी हुंदी है? द ऑर्डनरी फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, इट सिंपली डिस्क्राइब्स ए क्वालिटी एंड मेक्स नो कंपैरिजन। ये बच्चों बिल्कुल साधारण डिग्री हुंदी है, इस विच किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ नाल कोई कंपैरिजन नहीं हुंदा, कोई तुलना नहीं हुंदी। जिवें नेहा इज़ अ टाल गर्ल, नेहा लंबी लड़की है। जून इज़ ए होट मंथ, जून का महीना गर्म है। कपिल इज़ अ गुड प्लेयर, कपिल अच्छा खिलाड़ी है। इस दे विच बच्चों नेहा दा जा जून मंथ दा जा कपिल दा किसी भी किसी होर दूसरे परसन नाल किसी भी पक्षों कोई भी तुलना नहीं हो रही, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो बच्चों ये डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट इज कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री। When two things of the same class are compared, we use the comparative degree. जदों दो चीज़ां दा एक दूसरे दे नाल कंपेयर किया जावे ता ओ डिग्री हुंदी है कंपैरेटिव डिग्री। तनु इज़ टालर दैन नेहा, तनु इज़ टालर दैन नेहा, तनु नेहा नालों लंबी है, तो बच्चों तनु दा नेहा नाल की हो रहा है कंपैरिजन,
ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੂਨ ਇਜ਼ ਹੋਟਰ ਦੈਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜੂਨ ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਪਲੇਅਰ ਦੈਨ ਕਪਿਲ, ਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਵੈਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਆਲ ਅਦਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਕਲਾਸ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਥ੍ਰੀ, ਅਨੂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਸਟ ਗਰਲ ਆਫ ਦਾ ਥ੍ਰੀ। ਜੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਟੈਸਟ ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਜੂਨ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਟੈਸਟ ਮੰਥ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਇਨ ਅਵਰ ਟੀਮ, ਵਰੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰੁਣ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਬੱਚਿਓ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਰਮਸ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀਜ਼। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਟੋਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਲ, ਟੋਲਰ, ਟੋਲੈਸਟ, ਫਾਸਟ, ਫਾਸਟਰ, ਫਾਸਟੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈ ਆਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗਰ, ਲੌਂਗੈਸਟ, ਈ ਆਰ ਐਂਡ ਈ ਐੱਸ ਟੀ, ਕਾਇੰਡ, ਕਾਇੰਡਰ, ਕਾਇੰਡੈਸਟ, ਈ ਆਰ, ਈ ਐੱਸ ਟੀ, ਸ਼ੋ, ਸਲੋ, ਸਲੋਅਰ, ਸਲੋਐਸਟ, ਪੂਅਰ, ਪੂਅਰਰ, ਪੂਅਰੈਸਟ, ਸ਼ੋਰਟ, ਸ਼ੋਰਟਰ, ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਰ ਐਂਡ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਲੇਟੈਸਟ, ਫਾਈਨ, ਫਾਈਨਰ, ਫਾਈਨੈਸਟ, ਨਾਈਸ, ਨਾਈਸਰ, ਨਾਈਸੈਸਟ, ਵਾਈਜ਼, ਵਾਈਜ਼ਰ, ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਈ ਆਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਈ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਡਰਟੀ, ਵਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਆਈ ਈ ਆਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਈ ਐੱਸ ਟੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੋਇਜ਼ੀ, ਵਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਨੋਇਜ਼ੀਅਰ, ਆਈ ਈ ਆਰ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਈ ਐੱਸ ਟੀ, ਨੋਇਜ਼ੈਸਟ। ਫਨੀ, ਫਨੀਅਰ, ਫਨੀਐਸਟ, ਹੈਵੀ, ਵਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਹੈਵੀਅਰ, ਹੈਵੀਐਸਟ, ਹੈਪੀ, ਵਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਹੈਪੀਅਰ, ਹੈਪੀਐਸਟ, ਪ੍ਰੀਟੀ, ਪ੍ਰੀਟੀਅਰ, ਪ੍ਰੀਟੀਐਸਟ, ਗਰੀਡੀ, ਗਰੀਡੀਅਰ, ਗਰੀਡੀਐਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਐਂਡ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਲੱਗਦਾ। ਓਨੈਸਟ, ਮੋਰ ਓਨੈਸਟ, ਮੋਸਟ ਓਨੈਸਟ, ਪਾਪੂਲਰ, ਮੋਰ ਪਾਪੂਲਰ, ਮੋਸਟ ਪਾਪੂਲਰ, ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ, ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ, ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ, ਵੰਡਰਫੁੱਲ, ਮੋਰ ਵੰਡਰਫੁੱਲ, ਮੋਸਟ ਵੰਡਰਫੁੱਲ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ, ਲਿਟਲ, ਲੈਸ, ਲੀਸਟ, ਓਲਡ, ਓਲਡਰ, ਓਲਡੈਸਟ, ਬੈਡ, ਵਰਸ,
वर्स्ट, मच और मैनी दी कंपैरेटिव डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। तो बच्चों असी हुण कुछ एक्सरसाइजिज़ करांगे एडजेक्टिव नाल रिलेटिड। पहली एक्सरसाइज है बच्चो, इन दे विच असी दैन और दा लगाने हैं, यूज ऑफ दैन और द। बच्चों दैन दैन असी उत्थे लगावांगे जिथे असी कंपैरिजन, जदों असी एक दा दूजे नाल कंपैरिजन करना होएगा तो उत्थे असी दैन लगाने हैं। तो द असी उत्थे लगावांगे जिस जदों असी एक चीज़ दा पूरी क्लास दे नाल पूरी टीम दे नाल कंपैरिजन करते हैं तो असी उदों लगाने हैं द। देखो एक्सरसाइज, जून इज़ होटर डैश अप्रैल, तो इत्थे असी जून दा अप्रैल दे नाल कंपेयर हो रहा है तो असी इत्थे लगावांगे दैन। नैक्सट, दिस इज़ डैश बेस्ट बुक आई हैव, मेरे कोल ए सब तो अच्छी बुक है, यानी कि इंदे तो बाद कोई भी अच्छी बुक नहीं है, यानी कि सब तो अच्छी बुक है, तो असी इत्थे बच्चों लगावांगे द। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव। राइडिंग इज़ डैश बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, राइडिंग इज़ द। बच्चों इन किसी भी नाल इनका कंपैरिजन नहीं हो रहा, राइडिंग का किसी होर चीज़ के नाल कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो असी इत्थे लगावांगे द। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट डैश हर सिस्टर, हुण इस लड़की का अपनी सिस्टर के नाल कंपेयर हो रहा है इंटेलीजेंसी दे विच, तो असी इत्थे लगावांगे दैन हर सिस्टर। शी इज़ मोर इंटेलीजेंट दैन हर सिस्टर, क्यों अपनी भैन दे नालों ज़्यादा हुशियार है। अ वाइज एनिमी इज़ बैटर डैश अ फुलिश फ्रेंड, अ वाइज एनिमी इज़ बैटर डैश अ फुलिश फ्रेंड, एक सियाने दुश्मन का एक मूर्ख मित्र नाल कंपैरिजन हो रहा है तो असी इत्थे लगावांगे दैन। शेक्सपियर वास डैश ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, हुण शेक्सपियर जिहड़ा है वह इंग्लैंड का सब तो महान ना ड्रामेटिस्ट सी। तो बच्चो सब इंदा हुण कंपैरिजन सब दे नाल कीता गया, किसी एक नाल नहीं कीता, तो असी इत्थे लगावांगे द। नैक्सट एक्सरसाइज दे विच बच्चो असी ब्रैक्ट दे विच दित्ते गए एडजेक्टिव दी फॉर्म नू सुटेबल जिहड़ी फॉर्म है वह असी इंदे विच फिल करांगे। सोनी इज़ डैश दैन नेहा प्रिटी, असी इत्थे हुण सोनी दा नेहा नाल कंपेयर हो रहा तो असी इत्थे लगावांगे प्रिटियर। माई बैग इज़ डैश दैन हिज हैवियर, वाई हटा के आई ई आर। राज हैज़ डैश फ्रेंड्स दैन आई हैव मच, इत्थे असी हुण बच्चों की लगावांगे, ये हुण असी इत्थे सुपरलेटिव डिग्री मैनी दी मोर एंड मच हुंदी है, ठीक है। तो असी राज जो है ओ मेरे नालों, राज हैज़ डैश फ्रेंड्स दैन आई है, मेरे नालों राज दे फ्रेंड्स ज़्यादा ने। तो बच्चों असी की लगावांगे मैनी मोर के मच, तो मोर जो है कंपैरिजन डिग्री है, तो असी इत्थे लगावांगे मोर कि राज दा मेरे नाल कंपेयर हो रहा है। रोज़ी इज़ द डैश गर्ल इन आवर टाउन, रोज़ी दा रोज़ी जो है वो पूरे टाउन दे विच सब तो सुंदर लड़की है, तो असी इत्थे लगावांगे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज़ आई एम नोट डैश हैप्पी दैन यू आर, मैं तुहाडे नालों ज़्यादा खुश नहीं हाँ, तो मेरा तो कम